क्या लगता है हरियाणा में कुछ कमाल करेंगे ये दो लोग? ये कि वो एक कहावत नहीं, दो दिल एक जान। अगर वैसी राजनीति ये दोनों ही पार्टी मिल करके करे तो कहीं ना कहीं असली मुकाबला तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखती है। देखिए जब जनता के चुनने की बात आती है, लेकिन उससे पहले हमें यही समझना होगा कि आखिर हरियाणा के मुद्दे हैं क्या करते हुए। वही चंद्रशेखर जो है वो सड़कों पर दिखते हैं, वो सड़कों पर दिखते हैं, वो युवाओं के साथ जुड़ते हुए दिखते हैं। मान लिया जाए कि चंद्रशेखर आजाद या फिर बीएसपी आकाश आनंद, इन दोनों में से किसी एक को चुनते हैं, फिर क्या लगता है कि जो ये ओबीसी और कि बीजेपी ने ओबीसी को रख लिया, जाट को जो है कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया है, और दलित वाले तो सिर्फ दलित के ही मुद्दे को उठा रहे हैं। यहाँ क्या लगता है आकाश आनंद के लिए नुकसानदायक होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये नुकसानदायक है। नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि देखिए जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति, वर्तमान की राजनीति यही कहलाती है कि जिस तरीके का सांचा हो उसके आकार में ढल जाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा में उत्तर प्रदेश के दो लड़के पहुंच चुके हैं और ऐसे में कोई अपना वजूद तलाश रहा है तो कोई अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहां मैं बात कर रही हूं बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद की और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण की। मेरे साथ मेरी सहयोगी आस्था तिवारी हैं, तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हरियाणा चुनाव में यूपी के ये दो लड़के क्या कमाल कर पाते हैं या फिर बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाते हैं। आस्था, बात यह है कि देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का हमने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे रहे, वो शून्य पर रही, प्रदर्शन बहुत बेकार रहा, और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जो मतलब नगीना सीट से सांसद भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं दलितों में उनको लेकर एक उन्हें एक नया होप और नया चेहरा दिख रहा है अपने नेता के रूप में। क्या लगता है हरियाणा में कुछ कमाल करेंगे ये दो लोग? देखिए जब बात कामनी जी आकाश आनंद की आती है और चंद्रशेखर आजाद की आती है तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक कहावत नहीं, दो दिल एक जान। अगर वैसी राजनीति ये दोनों ही पार्टी मिल करके करें तो मैं समझती हूँ कि कुछ धरातल पर दिख सकता है। अदरवाइज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बसपा पार्टी एक नए अग्रेशन के साथ में मैदान पर उतरी है और वो जो उसका मैदान पर उतरना देखा जा रहा है लगातार जो वो ट्वीट कर रही है उससे कहीं ना कहीं असपा को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा ना, मैंने भी अभी शुरुआत में कहा कि दो दिल एक जान, अगर ये दोनों पार्टी एक तरह मजबूत होकर के बाहर निकलती हैं, आक्रामक होती हैं, उन तमाम मुद्दों को धरातल के उन मुद्दों को उठाती तो शायद भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले दोनों पार्टियों को एक होना पड़ेगा और वो दूर तक देखते हुए नजर नहीं आता है। गठबंधन तो देखिए कि बीएसपी का क्या है, इनोला से बीएसपी ने कर रखा है और इनोलो से और क्या कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी ने जीजीपी से कर रखा है। तो गठबंधन तो इन लोगों ने हरियाणा की वहां की जो जमीनी स्तर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करके ये जमीन पर उतर रही हैं। और कहीं ना कहीं असली मुकाबला तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखती है। तो आपको क्या लगता है जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दलित वोटर तीसरे नंबर पर आते हैं, अगर उनकी संख्या की बात की जाए तो करीब 20% दलित वोटर हैं हरियाणा में। क्या लगता है दलित वोटर किसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि देखिए अब वो किस साथ में रहते, अच्छा करते, वो चीजें तो चलिए अब नहीं हो रही, बिल्कुल जो नहीं हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद जो कि भाषण काफी अच्छा देते हैं, लेकिन दोनों में से जनता किसको चुनेगी? देखिए जब जनता के चुनने की बात आती है, लेकिन उससे पहले हमें यही समझना होगा कि आखिर हरियाणा के मुद्दे हैं क्या। हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर जो पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ उसको लेकर के लोग आक्रामक हैं। उसी के साथ में दूसरे मुद्दे की अगर बात करी जाए तो वहां के जो निचले स्तर की जो खामियां हैं चीजें, चाहे सड़कों को लेकर के, वो छोटे छोटे मुद्दे जो है जैनी तौर पर वो हैं। और इसी के साथ साथ वहां पर जाट आरक्षण एक सबसे बड़ा मुद्दा वो है, किसानों का मुद्दा भी बहुत ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और
बीच में विनेश फोगाट का कांग्रेस की सदस्यता ले लेना, कांग्रेस के साथ खड़ा होना और फिर चुनाव में आना, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलती है। रही बात आपने जो कहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण कौन बेहतर पार्ट मतलब कि आगे आ सकते हैं, आकाश आनंद आ सकते हैं, देखिए अगर हम जोर शोर की बात करें तो लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद का जो जोश देखा गया था वो इस बार के चुनाव में ढीला दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि उन पर कमान खींची गई, उनको डांटा गया, डपटा गया कि नहीं तुम्हें इस तरीके की राजनीति नहीं करनी, क्योंकि बसपा पार्टी की राजनीति बेहद अलग तरीके से है। वो किसी पर आक्रामक नहीं होती है, उन केवल मुद्दों पर बात करती है, पर्सनल किसी भी नेता पर अटैक नहीं करती हुई। वही चंद्रशेखर जो है वो सड़कों पर दिखते हैं, वो सड़कों पर दिखते हैं, वो युवाओं के साथ जुड़ते हुए दिखते हैं, वो युवाओं को लेकर के चलते हैं, वो एक जो जोश भरा जो आज की जो वर्तमान की राजनीति है उस स्तर पर वो चलते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, देखिए तो आस्था इसमें तो ये भी समझने की बात होगी ना कि मायावती जो अपने पुराने राजनीति जिस तरीके से उन्होंने की, वो चाहती हैं आकाश आनंद भी उसी तरीके से राजनीति करे, तो ऐसे में आकाश आनंद सफल कैसे होंगे? देखिए क्योंकि आपके सामने जैसा व्यक्ति होता है आपको उसी अकॉर्डिंग उसी एग्रेशन के साथ, जब तमाम चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मतलब कांग्रेस भी बहुत समय तक अपने पुराने ही ढांचे के साथ चल रही थी कि हम ऐसे ही लड़ेंगे, लेकिन उन्हें भी समझ आया कि बीजेपी से लड़ना है तो जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आना पड़ेगा, जिसके बाद अब आप और हम देखते हैं कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल कितने एक्टिव होते हैं, तमाम राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम वो वीडियोज बनाते हैं और डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि युवा आजकल सड़कों से ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है। तो ऐसे में आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती कह रही है कि पुराने तरीके से ही आपको चलना पड़ेगा, क्या लगता है आकाश आनंद के लिए नुकसानदायक होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये नुकसानदायक है। नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि देखिए जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति वर्तमान की राजनीति यही कहलाती है कि जिस तरीके का सांचा हो उसके आकार में ढल जाओ तभी तुम्हारा जो है लाभ है, नहीं तो तुम हानि की ओर जाओगे। और यकीनन देखिए जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पहले डिजिटलाइजेशन से दूर रहती थी, भाजपा का मुकाबला करने के लिए उसको डिजिटलाइजेशन पर उतरना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा, लोगों से हाथ मिलाने पड़े, लोगों की बात सुननी पड़ी। अब यही चीजें जब आकाश आनंद को लेकर के अभी देखिए हरियाणा में ये कहा गया कि चौपाल लगेंगे, चौपालों में जा करके आकाश आनंद पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन अगर इसका तरीका एजेंडा कुछ और अलग तरीके से निकालते, जैसे वो तमाम वो बड़ी बड़ी रैलियां लोकसभा के चुनाव में देखी गई थी, आकाश आनंद का जो अग्रेशन देखा गया था वो एक बार अगर फिर से आता तो शायद मैं समझता हूं हरियाणा चुनाव में मिसिंग है वो बिल्कुल पूरी तरीके से मिसिंग है। आप देखिए जो अगर अस्पा की बात करते हैं तो आजाद समाज पार्टी जो है उसके साथ में चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ में यूथ है, यूथ वो यूथ है जो अपने हक की मांग कर रहा है, अग्रेशन में है, वो सारे मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन बसपा पार्टी ऐसा करती हुई नहीं नजर आ रही, और यही वजह उस पर अक्सर आरोप भी लगते हैं कि वो बीजेपी की भी पार्टी मानी जाती है। देखिए और इसके साथ ही आस्था समझने वाली बात ये भी तो होगी ना कि बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से, देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से खेला है, उन्होंने जाटों को सबसे ज्यादा वोट दिए, मतलब टिकट्स दिए हैं और जाटों को मैदान में उतारा है, तो वही सबसे ज्यादा संख्या वहां पर ओबीसी वोटर्स की है, और भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में अपने नेता जो उतारे हैं कैंडिडेट्स वो ओबीसी ज्यादा है, तो क्या लगता है कि ओबीसी बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जाट जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और जो दलित वोटर्स हैं वो एक तरीके से अगर मान लिया जाए कि चंद्रशेखर आजाद या फिर बीएसपी आकाश आनंद इन दोनों में से किसी एक को चुनते हैं, फिर क्या लगता है कि जो ये ओबीसी और जो जाट हैं ये किस तरीके से जाएंगे? क्योंकि अगर हम बात करें सोशल मीडिया की बात करें, बड़े बड़े जो पत्रकार रहे हैं जो आज के टाइम में अपने इंडिपेंडेंट पत्रकार हो गए हैं, तो उन लोगों की जब बात करें तो वो लोग मतलब उनका कहना है कि कांग्रेस बहुमत से जीतती जा रही है, इनफैक्ट वो 60 से ज्यादा सीटें ला सकती है 90 में से, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो ओबीसी वाली स्ट्रेटेजी बीजेपी ने अपनाई है इसका फायदा बीजेपी को होगा या फिर जो पुराने काम किए वो बेकार होने वाले हैं? जनता जनार्दन होती है, जनता शायद अब जात पात से दूर हट करके मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसे हटेगी, कांग्रेस तो खुद ही कहती है ना जातीय जनगणना कराएंगे। बिल्कुल जातीय जनगणना की बात होती है लेकिन भाजपा इस पर क्या कहती है, जाति जनगणना तो होनी चाहिए लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जो कांग्रेस फैक्टर उठा रही है वो क्या फैक्टर उठा रही है कि इससे हमें पता चलेगा कि किसकी संख्या बहुल है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। जहां तक हमारा ख्याल है
हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए जो शायद गरीब तबका है, जिसको शायद जरूरत है, उसको अगर हम सुविधाएं मुहैया कराएं तो यकीनन मुझे लगता है कि बदलाव आ सकता है। कहीं ना कहीं आस्था आप ये कहना चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं हर एक तबके को मिलनी चाहिए, बिल्कुल, उसके बाद जो काबिल हो उसे वो। अब ये नहीं कि ये इस जाति का है लेकिन इस सीट के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस जाति का, इस जाति की संख्या ज्यादा है तो उसको ये चीज दे देनी। जैसे देखिए अभी हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने क्या चीज करी, आपका ही सवाल था, और यकीनन ये चीज सत्य है कि बीजेपी ने ओबीसी को रख लिया, जाट को जो है कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया है, और दलित वाले तो फिर दलित के ही मुद्दे को उठा रहे हैं। यहां से क्या हुआ, दलित की पार्टी दलित के साथ हो गई, कांग्रेस ने जाटों को, जाट को घेर लिया, उन्होंने ओबीसी को घेर लिया। लेकिन क्या ये चीज जायज है? आपने तो एक तरह से पूरी तरीके से बांट करके रखा है ना चुनाव, क्या जात के नाम पे होना चाहिए? हम हर बार बात करते हैं लेकिन चीजें जो है घूम फिर करके वहीं पर आ जाती। अच्छा आस्था, यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो ओबीसी को लेकर लगातार आवाज उठा रही है कि सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है, वही हरियाणा चुनाव में देखती है कि भैया वोटर ज्यादा जाट है तो जाट को दे दिया जाए। बिल्कुल, वोटर जाट को देखते उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने कुमारी शैलजा को नाराज किया, और आज के मायावती के ट्वीट में साफ तौर पर कांग्रेस पर हमला भी है, और उन्होंने कहा है कि आरक्षण की बात करने वाली है कांग्रेस, तब कहां थी जब वाकई इसको आरक्षण के मुद्दे पर बोलना चाहिए था। बिल्कुल, उन्होंने ये अमेरिका में जिस तरीके से राहुल गांधी ने, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है, जब कभी फ्यूचर में होंगे तो हम आरक्षण को खत्म करने की और विचार करेंगे, उसको लेकर भी मायावती ने ट्वीट में अपने साफ बोला है कि मतलब कि जो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं उन्हें वोट देकर दलित अपने वोट को खराब ना करें। वही चीज है ना, अब देखिए ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो या कोई भी हो, इसने भी पूरा एक आरक्षण के मुद्दे पर इस तरीके से लोगों को बांध करके रखा है कि आदमी का माइंडसेट हो गया है, तुम दलित हो तो तुमको आरक्षण मिलना चाहिए, तुम दलित हो तुमको इस तरीके से रखते हैं। अब राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया, राहुल गांधी का अमेरिका में बयान क्या था कि अभी हम स्थिति में पहुंचे ही नहीं है कि हम आरक्षण को खत्म करें। विदेश में बैठ करके इस तरीके की बयानबाजी कि भारत में इतने समय से, आजादी के बाद से जब से आरक्षण मिल रहा है तो तब से दलित वर्ग क्या इस मुकाबले पर पहुंचा ही नहीं है कि उस आरक्षण का उसको कुछ लाभ ही नहीं मिला है, एक तरह से उसका उदाहरण तो हम यही समझेंगे। तो खैर यहां पर बात यह नहीं है कि दलित को आरक्षण मिलना चाहिए या किसको आरक्षण मिलना चाहिए, बात यह है कि चुनाव के समय ये जो जात पात घूम करके आ जाती है। और रही बात दलित का वोट जो बटता भी है, असपा में बटे या बसपा में बटे, तो निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि असपा की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा है, उसके पीछे की वजह ये है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो वोटर्स हैं, जो अग्रेसिव राजनीति आज के टाइम में हर कोई कर रहा है, तो उसी राजनीति को पसंद कर रहे हैं, और बिल्कुल मायावती जब तक इस राजनीति पर नहीं आएंगी वो लगातार अग्रेसिवली सिर्फ ट्वीट पे खेलने से नहीं चलेगा काम। मायावती को समझना पड़ेगा, ठीक है अगर आप सिर्फ एक्स पे खेलना चाहती हैं तो खेलिए, लेकिन आपने जिन्हें अपना मायावती बतौर चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्हें पता है कि शासन को कैसे संभालना है और क्या चीज करना है, और मायावती की जो राजनीति है बेहद अलग है, इसीलिए उनको बहुत अलग बनाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वक्त के साथ उस साचे में ढलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन उस बीच में अगर मायावती सड़कों पर नहीं आती है, मायावती केवल ट्वीट के हिसाब से, अगर वो चाहती है कि ट्वीट के हिसाब से देश चल जाएगा, तो यकीनन ऐसा नहीं। मतलब आस्था में आपकी अगर बात को एक सीधे शब्दों में आम जनता को अगर समझाना चाहूं तो आस्था ये कहना चाहती है, और मेरी भी राय यही है कि देखिए पानी अगर एक ही जगह रहता है ना, पानी का मतलब है बहाव, अगर पानी एक ही जगह रहता है तो उसमें से बदबू आने लगती है, वो सड़ने लगता है, तो ऐसे में बहाव बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं बहती हुई नदी जो होती है उसका पानी सबसे ज्यादा शुद्ध कहलाता है आस्था। तो ऐसे में देखिए राजनीति में भी है और जीवन में भी है, अगर आप एक ही जगह रुक जाएंगे, कभी कभी होता है ना जब आपको लगता है कि किसी जगह पे हम बहुत परेशान है, तो फिर आपके पास ऑप्शन हो ना हो लेकिन आपको उस जगह से हट जाना चाहिए। आप बहता का पानी पीना ज्यादा पसंद करेंगे या उस तालाब का गंदा पानी पीना पसंद करेंगे, ये तय आप लोगों को ही करना होगा। और देखिए अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को हरियाणा की जनता यूपी के इन दो लड़कों में से जो दलित वोटर्स है स्पेशली, वो किस ओर जाते हैं और बीजेपी कांग्रेस में से किसे नुकसान पहुंचाते हैं या फिर किसे फायदा पहुंचाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसके लिए वोटिंग के बाद आपको और हमें सभी को 8 तारीख का इंतजार होगा, जब वोटों की गिनती होगी और साफ पता चलेगा कि किन की बातों में दम था और जनता किसकी तरफ झुकी।